हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम ऑर्डर विल ऑलवेज हैव सेम. पूछा गया कि जो ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्डर में बिलोंग करते हैं उनमें सेम क्या होगा हमेशा, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्लास. तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर है, ऑर्डर है यहाँ पे. ऑर्डर में अगर हम देखें, ये जो एक्स एंड वाई ऑर्गेनिज्म है, एक्स एंड वाई अगर दो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स अगर ये सेम ऑर्डर में बिलोंग कर रहे हैं, ऑर्डरिंग का सेम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ऊपर जो है किंगडम, देन फाइलम, अगर एनिमल है तो फाइलम, प्लांट है तो डिवीजन, इसके बाद क्या आएगा क्लास, क्लास के बाद क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आएगा फैमिली, फैमिली फैमिली के बाद क्या आएगा जीनस, एंड इसके बाद स्पीशीज. तो अगर हम देखें दो ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्डर में है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये सेम फैमिली में बिलोंग कर सकते हैं या डिफरेंट फैमिली में बिलोंग कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर वन, तो इसके अंदर फैमिली एफ वन, देन एफ टू, देन एफ थ्री, अगर ऐसा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे सिमिलरिटी अगर थोड़े ज़्यादा होंगे तो सेम फैमिली में बिलोंग कर सकते हैं या फिर डिफरेंट फैमिली में बिलोंग कर सकते हैं यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है, यहाँ पूछा है कि ऑलवेज हैव सेम, तो सेम हमेशा क्या होगा, अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्डर में है तो उनका क्लास भी हमेशा सेम होगा, देन फाइलम डिवीजन, अगर प्लांट है तो यहाँ पे डिवीजन, और एनिमल है तो फाइलम सेम होगा, एंड किंगडम भी सेम होगा. लेकिन यहाँ जो है नीचे जो होगा ये क्या होता है, यहाँ पे सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है. तो ऑलवेज हैव सेम पूछा है, तो यहाँ पे फैमिली अगर हम देखें तो फैमिली सेम में भी बिलोंग कर सकता है, डिफरेंट में भी कर सकते हैं, तो ये तो गलत है. जीनस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये भी गलत है. देन स्पीशीज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये गलत है. देन क्लास, तो क्लास तो हमेशा सेम ही होगा, अगर सेम ऑर्डर में बिलोंग करें मतलब सेम क्लास होगा, सो ये करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर विद दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.